नेशनल इंडिया न्यूज में आपके साथ ज्योति। आदिवासियों की पहचान जल, जंगल और जमीन से जरूर है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण उन्हें इन दिनों अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ रहा है। हालांकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी आवाज नक्कर खाने में तूती की आवाज ही साबित हो रही है। विकास के नाम पर विगत कई सालों से झारखंड के आदिवासी विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हस्तेव अरण्य के वन क्षेत्र में जंगलों पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने जंगलों को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल इस पूरे वन क्षेत्र में कोयले का अकूत भंडार छुपा हुआ है और यही इन जंगलों पर छाए संकट का कारण भी है। पूरे इलाके में कुल 20 कोल ब्लॉक चिन्हित हैं, जिसमें से 6 ब्लॉक में खदानों के खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं में करीब 1,862 हेक्टेयर निजी और शासकीय भूमि सहित 7,730 हेक्टेयर वन भूमि की भी अधिग्रहण होना है। खदानों की स्वीकृति प्रक्रियाओं से गांव वाले हैरान हैं और इसके विरुद्ध में खुलकर सामने आए हैं। प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासी और अन्य गांव वाले लामबांध धोते हुए 30 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश द्वारा साल 2009 में हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था। हालांकि साल 2011 में परसा ईस्ट केते बासेन और ताराकोल ब्लॉक में खनन की अनुमति ये कहते हुए दी थी कि ये भारी भाग में है और इनमें खनन परियोजनाओं से जैव विविधता को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर इसके बाद किसी भी अन्य परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं सरकारों के रुख को देखते हुए गांव वालों ने भी संघर्ष का मूड बना लिया है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना की शुरुआत कर दी है। वर्तमान में इस आंदोलन में गांवों के सैकड़ों आदिवासी और अन्य ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि पूरा इलाका सघन वनों से भरपूर है। यही क्षेत्र हसदेव बांगो का कैचमेंट एरिया है। खदानों के खुलने से हसदेव और चोरनई नदियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, जिससे बांध पर भी सूखे का संकट आ जाएगा। जबकि इसी बांध के पानी से ही करीब 4,53,000 हेक्टेयर खेतों की जमीन सिंचित होती है। साथ ही इस इलाके के वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी हैं। खदानों से इनके अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। वहीं प्रदर्शन में आई आदिवासी महिलाओं ने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे संस्कार प्रकृति से जुड़े हैं। नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, इनसे ही हमारी जिंदगी जुड़ी है, हम इन्हें उजड़ने नहीं देंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि खदान खुलने से हजारों आदिवासियों समेत अन्य परिवारों को विस्थापित होकर बेघर होना पड़ेगा, जिससे गांव के बिखरने के साथ ही प्राचीन आदिवासी संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। वहीं आंदोलनकारियों ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर गैर कानूनी तरीकों और फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों से हो रही खदानों की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। वहीं आदिवासी महासभा बस्तर संभाग ने भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को आंदोलन की मांगों के समर्थन में अल्टीमेटम देते हुए पत्र लिखा है। देखा जाए तो जंगल केवल आदिवासियों की ही नहीं, बल्कि हम शहरों में रहने वालों के लिए भी आवश्यक है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो न सिर्फ आदिवासी संस्कृति को नुकसान होगा, बल्कि आने वाले सालों में किसी प्राकृतिक महाआपदा को झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।